नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे इस खास बुलेटिन 2 मिनट 10 बड़ी खबरों में। देखते हैं आज की 10 बड़ी खबरें। इराक में ऑक्सीजन टैंक में धमाके से कम 82 लोगों की मौत व 110 लोग हुए घायल। धमाका राजधानी की बगदाद के एक अस्पताल में ऑक्सीजन टैंक में हुआ। कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए यूपी के लखनऊ में 55 निजी अस्पतालों की नई सूची की गई तैयार। प्रशासन ने अस्पतालों को पोर्टल पर एडमिट डिस्चार्ज होने वाले मरीजों की संख्या रोजाना दर्ज करने को कहा है। यूपी में कोविड-19 से मरने वालों के परिजन से नहीं वसूला जाएगा अंतिम संस्कार का शुल्क, बकौल अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल। मृतकों के अंतिम संस्कार की प्रक्रिया उनके धार्मिक मान्यता अनुसार कराए जाने के निर्देश दिए गए। पीएम केयर्स फंड से सरकारी अस्पतालों में 551 ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र किए जाएंगे स्थापित। इनकी स्थापना विभिन्न राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के जिला मुख्यालयों में चिन्हित सरकारी अस्पतालों में होगी। दूसरी बार कोविड-19 से संक्रमित हुए केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो, पत्नी का भी टेस्ट आया पॉजिटिव। बकौल सुप्रियो वो बहुत दुखी हैं कि बंगाल चुनाव हेतु आसनसोल में वोट नहीं कर पाएंगे। यूपी के संभल जिले में गैंगस्टर को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हुआ पथराव। हिरासत में लिए गए 4 लोग। एसपी चक्रेश मिश्रा ने बताया कि इस दौरान आरोपी मौके से फरार हो गया। सभी राजनीतिक काम छोड़कर लोगों की मदद करें, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा। सिस्टम फेल है इसलिए जनहित की बात करना जरूरी है। इस संकट में देश को जिम्मेदार नागरिक की जरूरत है, कांग्रेस के कार्यकर्ता आगे आए। किसान नेताओं ने स्थगित किया संसद मार्च, प्रदर्शन स्थल पर नहीं कराए कोविड-19 टेस्ट। बता दें कि किसान नेताओं ने दिल्ली की सीमाओं तक जाने वाली सड़कों की एक साइड को खोल दिया ताकि आपातकालीन सेवाएं सुचारू रहें। दिल्ली में कोरोना से हाहाकार, कल एक दिन में मिले 22,933 नए संक्रमित। एक हफ्ते और बढ़ा लॉकडाउन, पॉजिटिविटी रेट 30.21% हुआ। कल 350 लोगों की मौत हुई। दुनिया में कोरोना से मरने वालों की संख्या 30 लाख के पार। बांग्लादेश ने 14 दिनों के लिए भारत का बॉर्डर किया बंद। महामारी पर नियंत्रण न होने पर टोक्यो ओसाका के बाद अब क्योटो और ह्योंगो में भी इमरजेंसी हुई घोषित। आज के बुलेटिन में इतना ही। आपको ये खबरें पसंद आई हो तो शेयर करें, और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।